हरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये ॐ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ॐ श्री सरस्वते नमः ॐ श्री वीरपुरुषाय नमः ॐ आचम्यं प्राणायामं
ब्रह्मापुरारी श्रीपुरान्तकारी भानुशशी भूमिसुतो बुधश्च वृक्ष शुक्र शनि राहुः केत्वा सर्वे ग्राशां केकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा तुष्टिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा तुष्टिकरा भवन्तु ॐ सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यै नमः यथा साध्ये यथा शक्ति पूजनो भ्रान्ते मन्त्र पुष्पाञ्जलि से प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यै नमो नमः ंगं सीतासमारौतवामभागं पाणं महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणदण्डधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ॐ श्री सीतारामाभ्यां नमः पूजयामि ध्यायामि ॐ मता स्नानं ओपाध्यानं पञ्चाद्रानं दुःखनदनम् एतत्ति रामायणम् ॐ श्री सीतारामाभ्यां नमः यथा साध्ये यथा शक्ति पूजनो भ्रान्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलि से प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि ॐ श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः ओम अनेन कृतनेन पूजनेन श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः प्रियतां नमः मस्तकगायकः मुझे क्यों नहीं गिनते आप हैं मुझे क्यों नहीं गिनते अभी सबको लाना है जी
बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज स्वामी जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भोलो भवन सुत हनुमान की जय। दो चरण सरोज गुरु मुद मंगल श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनूर रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार हनुमत को।
सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। ओम नमः पार्वती पते नमः, हर हर Sita Ram, 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 Sita.
ऐसा सौभाग्य है कि आज हम आज से भगवान नाम संकीर्तन और श्री महाराज जी के आशीर्वाद से इस राम कथा के प्रसंगों का रसा स्वादन करेंगे। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राघवेंद्र जी महाराज एवं भूत भवन भगवान श्री हनुमान जी, उनकी उपस्थिति में, उनके सानिध्य में इस राम कथा को कहने जा रहे हैं, गाने जा रहे हैं और सुनने जा रहे हैं। जिसकी जैसी भावना हुई सुनने की, गाने की, इस राम कथा के द्वारा चरणों में बैठकर अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हुए, चाहे वो भौतिक कामना हो, चाहे भगवान के चरणों से जुड़ी हुई भावना हो, कामना हो, कैसी भी हो, आज हम यहां से बैठे हैं कौन सी यात्रा करने के लिए, अवध जाने के लिए आज हमने रिजर्वेशन करवाई बैठे, ताकि यहां से जो यात्रा शुरू हुई है हम उसको संपूर्ण कर पाए। ऐसी कृपा श्री महाराज जी हम पर बनाए रखें कि हम इन 9 दिनों में इस जीवन के सार समझ पाए, वहां पहुंचकर कि किस प्रकार भगवान श्री राम ने इस धरती पर अपनी कृपा को बरसाते हुए और इस संसार में रहने वाले लोगों को किस प्रकार इस गंगा में स्नान करवाकर उनको शीतलता प्रदान करी। ये परम सौभाग्य है हमारा और इस सौभाग्य को यदि हम अब देखने का प्रयास करते रहेंगे तो दिन ब दिन हमें अपना सौभाग्य दिखेगा, दुर्भाग्य भूल जाएगा। कई बार हमें अपने जीवन में लगता है कि हम दुर्भाग्य में हैं, लेकिन नहीं, दुर्भाग्य तो भगवान ने किसी इंसान के लिए नहीं रखा, ये हमारी मर्जी होती है कि हम अपने सौभाग्य को भी दुर्भाग्य बना लेते हैं। आज जो ये राम कथा गाने जा रहे हैं ये प्रायः 2 प्रकार की होती है, एक वाल्मीकि रामायण और एक रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी तो वो संस्कृत भाषा में लिखी, लेकिन कलिकाल में जब गोस्वामी जी रामायण लिखने के लिए बैठे तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण से हिंदी सरल अनुवाद में, सरल भाषा में, जो कि सबको समझ आ सके, लिख डाली कि किसी भी आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस रामायण को, रामचरितमानस को आसानी से समझ सके, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका बना दिया उन्होंने कि कोई भी व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता, वेद पुराणों को नहीं पढ़ सकता, तो इस रामचरितमानस के द्वारा हर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सरल बनाता हुआ इस अपनी यात्रा को पूर्ण कर पाए। तो उन्होंने ये सोचा कि इसको सरल भाषा में लिख दूं, क्योंकि कहा तो जाता ही है, चाहे वो वेद की बात हो चाहे पुराण की बात हो, लेकिन बात
कही जाने में विशेषता नहीं है, विशेषता तब होती है कि जो बात कही जा रही है वह हमें समझ आ रही है। पढ़ने को हम सब कुछ पढ़ जाते हैं, लेकिन जो बात हम जानकर उसको मान लेते हैं बात वह होती है कि वो जीवन में उतर जाती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबके लिए इस रामचरित मानस को रचा और उन्होंने ये कह दिया कि कलिकाल में आने वाले समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको श्री रामचरित मानस की एक भी चौपाई याद ना हो। अगर हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ते तो हमें शायद उसमें से कुछ भी ना पता होता कि रामायण में क्या लिखा गया है, लेकिन श्री रामचरित मानस ऐसा ग्रंथ लिख डाला कि हर व्यक्ति एक चौपाई को तो याद कर ही चुका है, अन्य तो कईयों को कंठस्थ होगी रामायण, उसमें से कई कांड याद होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि जिसको रामचरित मानस की एक भी चौपाई याद ना हो, सबको याद ही होगी। कौन सी चौपाई है जो सबको ही याद है? हम वही गाएंगे जो आप सब साथ में बोल पाओ, गा पाओ इस रामचरित मानस को, क्योंकि हम इस यात्रा में बैठने लगे हैं तो हमने इस चौपाई को गाकर उस यात्रा की टिकट को लेना है। तो आइए क्या करना है। मंगल भवनिया मंगल गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा
कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम रहे। मर्यादा में सर्वोत्तम स्थान भगवान श्री राम का, जिन्होंने अपने जीवन में हर बात को मर्यादित रखते हुए चलते रहे। यदि हम अपने जीवन में कृपा को देखने का स्वभाव बना लेंगे ना, तो इस जीवन को चलाना आसान लगेगा। उस कृपा को महसूस करते हुए क्या बना दे उन्होंने, किस अपने दुनिया में अपने दायरे में किसी को भी, हर किसी को ऐसे देखें कि वो हमारे पे कृपा कर रहा है। सबसे पहले ये आवश्यक हो जाता है जीवन में। और इन 9 दिनों में हम अपने जीवन में बदलाव अवश्य महसूस करते हैं, आज नहीं तो कल। ऐसा नहीं कि इन 9 दिनों में ही हम सोचे कि हमारा जीवन बदल गया। ये 9 दिन आगे चलकर जीवन में हमें कभी ना कभी अवश्य याद आते हैं, जो हमारे जीवन में किसी परिस्थिति को संभालने में, बदलने में सहायक होते हैं। क्योंकि अगर हम रंग में रंगने आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि जो इस रंग से बिना रंगे हुए निकल जाए। ये विश्वास होना चाहिए अपने प्रभु पर। रंग तो हमारे पे चढ़ेगा, बशर्ते हमें ये देखना है कि हमारा वस्त्र कैसा है। उसको, उस वस्त्र को निर्मल करके जिस प्रकार हम रंग चढ़ाते हैं, पहले वस्त्र को साफ करके उसको ऐसे भिगो दिया जाता है रात को कि उसमें कुछ भी अकड़ाव ना रह जाए किसी प्रकार का, कोई भी बीच में ऐसी मैल ना रह जाए कि जहां वो रंग चढ़ने से बच जाए। तो हमें यही देखना है कि हमारा वस्त्र निर्मल हो जाए। इस वस्त्र को निर्मल करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और धीरे 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 उस पर रंग भी चढ़ाने लग जाएंगे। तो श्री रामचरित मानस के बालकांड के दोहा 10 में उसके ऊपर एक गोस्वामी जी ने छंद लिखा है कि ये बताया कि इस छंद के द्वारा ये राम कथा जीवन में क्या करती है, क्या कार्य है इसका। मंगल करने कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल
जी कहते हैं कि पहला काम क्या है कि मंगल करें। जिस प्रकार समाज में एक स्लोगन उठा कि भ्रष्टाचार मिटाओ, ये स्लोगन गलत था कि भ्रष्टाचार मिटाओ। क्या होना चाहिए था कि सदाचार बढ़ाओ। अगर लाइट जाती है तो हम ये नहीं कहते कि अंधकार भगाओ, हम यही कहते हैं कि लाइट जगाओ। किसी भी ऐसे भ्रष्टाचार को खत्म करना, अमंगल को खत्म करने के लिए हमारा प्रयास उसको खत्म करने का नहीं होना चाहिए। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हम उसको अमंगल को मंगल में परिवर्तित करें। तो ये एक साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। श्री रामचरितमानस के द्वारा इस अमंगल को मंगल करने की शक्ति मिलती है। और मंगल करने के बाद क्या कहा उन्होंने कि किस प्रकार मंगल हो सकता है। मंगल करने के लिए, अमंगल को दूर करने के लिए जो कलिकाल के मल हैं, पहले हमें उनको समाप्त करना पड़ेगा। श्री रामचरितमानस के अध्ययन करने से स्वतः ही ये विकार हमारे दूर हो जाते हैं जो कि कलिमल को भर लेते हैं। और विकार हमारे कौन से हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब ये विकार दूर होने लग जाएंगे तो जीवन में मंगल ही मंगल हो जाएगा। और इन विकारों को दूर करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे पहले हमने अपनी कामना को खत्म करना है। एक कामना को खत्म करें, उसके साथ साथ दो विकार और दूर हो जाते हैं, क्रोध का और लोभ का। क्योंकि कामना को क्रोध और लोभ की माता कहा गया है। लोभ और क्रोध का जन्म ही कामनाओं से होता है। यदि कामना पूरी हो जाए तो लोभ हो जाता है, कामना पूरी ना हो तो क्रोध आता है। इस रामचरितमानस के द्वारा सबसे पहला कार्य ये होता है कि हमारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं। उसके बाद कामना खत्म हुई, कामना हमारे जीवन में खत्म किस प्रकार होगी, जब हम पर भगवान की अति अपार कृपा हो जाएगी। कामना हमारे जीवन में किस प्रकार, छोटी छोटी कामनाएं हम आगे सुनेंगे जाकर राम कथा में कि किस प्रकार केवट को दाने दाने पर आफत है, लेकिन उसके मन की क्या कामना है कि केवल भगवान के चरणों का स्पर्श। अगर एक केवट के मन की कामना खत्म हो सकती है, जिसके जीवन का निर्वाह केवल नाम से ही चलता है, भगवान को पार उतारने के बाद जब भगवान श्री राम ने केवट से कहा कि तुम मुझसे कुछ मांगो, केवट कहने लगा भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया। भगवान ने कहा कि अभी तो तुम मुझे कह रहे थे कि मेरे घर में दाने दाने पर आफत है, अगर मेरी नाव नहीं होगी तो मेरे घर का गुजारा नहीं चलेगा, मेरे घर की रोटी इसी नाव से ही चलती है, और अब मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं तो तुम ले नहीं रहे हो। तब केवट ने कहा कि भगवान, जिन चरणों का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने तपस्या को दाव पर लगा देते हैं कि हमें आपके चरणों का दर्शन मिल जाए, आज उन चरणों का स्पर्श मुझे आपने प्रदान कर दिया, मुझे और जीवन में क्या चाहिए। केवट की कामना अगर समाप्त हो सकती है भगवान के चरणों में बैठकर,
तो हम सब भी यही प्रयास करेंगे कि अपनी कामनाओं को समाप्त करके इन विकारों को खत्म करना है। तीन विकारों को खत्म कर दिया हमने, कामना को कर दिया, क्रोध को कर दिया, लोभ को कर दिया, और जो मद है हमारे जीवन का, अगर हम भगवान के चरणों में अपने आप को उसका सेवक मान लेते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूं, तो उसको अपने से छोटा कोई नजर ही नहीं आता। सबसे छोटा हो जाने से उसका अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वह भक्त भगवान का जिसके सामने हर एक छोटे को जाकर अपना बड़प्पन नजर आए कि मैं बड़ा हो गया हूं, ऐसा भगवान का भक्त हो, और उसके बाद बचता है मोह। मोह को खत्म करना इस रामचरितमानस का ही कार्य है कि वो हमें ये सिखा देती है कि हमारा जीवन में हम अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से ही हो रहा है, मैं तो कुछ करने लायक हूं ही नहीं। जब धीरे धीरे इन विकारों को भगवान की कृपा से हम दूर करते जाएंगे, अध्ययन करते जाएंगे भगवान की लिखी हुई बातों को, तो एक ना एक दिन हम अवश्य ही तैयार हो जाएंगे कि उनका रंग हमारे पे चढ़ जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कथा परम पुनीत है, और क्या कहा कि कथा तो परम पुनीत है लेकिन मेरी कविता वो टेढ़ी मेढ़ी है। उन्होंने कहा कि मैं कोई लेखक नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं कि मैं इस कथा को रच पाऊं। क्या कहा कि कथा परम पुनीत लेकिन मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी। किस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी? कि जिस प्रकार गंगा अपने रास्ते को टेढ़ा मेढ़ा बनाते हुए किस प्रकार गंगा सागर तक पहुंचती है, लेकिन वो परम पुनीत है, पवित्र है। टेढ़ी मेढ़ी होने के बावजूद भी गंगा अपवित्र नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी कविता अगर टेढ़ी है भी तो भी पवित्र है। किस प्रकार पवित्र है? क्योंकि इस कविता में हर चौपाई में भगवान राम का नाम आता है। श्री रामचरितमानस की हर एक चौपाई को अगर हम पढ़ें तो हर चौपाई में हमें राम, आ और मां अवश्य ही मिलेगा। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरी इस टेढ़ी मेढ़ी कविता को इस राम नाम ने पवित्र बना दिया, पुनीत बना दिया। श्री रामचरितमानस की हर चौपाई में रा, आ और मां होने के बाद सिर्फ एक चौपाई है जिसमें राम का नाम नहीं आ रहा। कौन सी चौपाई है? कि झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। ये श्री रामचरितमानस की चौपाई है। सिर्फ इस एक चौपाई के अलावा हमें हर चौपाई में राम का नाम मिलेगा। ये बताया कि एक केवल असत्य में राम नहीं है, बाकी जितनी भी संसार की रचना है हर एक में, हर एक कण में राम व्याप्त है। क्या कहा कि इस राम नाम को किस प्रकार नारद मुनि जी ने इसको सर्वश्रेष्ठ बनवाया कि जब भगवान श्री राम पंपा सरोवर पर सुग्रीव की प्रतीक्षा कर रहे थे तो नारद जी ने आकर वहां पर भगवान से भेंट की और कहा कि आप हमें एक वरदान देंगे। तो भगवान ने कहा कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं
तुम्हें नहीं प्राप्त कर दे सकूं। हर एक चीज जो मेरे पास है वह तुम सबके लिए ही है, तुम क्या चाहते हो बताओ। तब नारद जी ने कहा कि भगवान मैं आपसे यही मांगता हूं कि आपके अनेकों नाम हैं, इन अनेकों नामों में आपका जो राम नाम है वह सर्वश्रेष्ठ हो जाए,